इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया मंगलवार से काउंटी 11 के खिलाफ 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच की शुरुआत करेगी। इस मैच में केएल राहुल विकेटकीपर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इस दौरे पर टीम के साथ गए दोनों विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और रिद्धिमान शाह फिलहाल भारतीय टीम के बायो बबल से बाहर हैं, इसलिए केएल राहुल को विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही टीम मैनेजमेंट केएल राहुल से ओपनिंग भी करवा सकता है। ऋषभ पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के बाद मिले ब्रेक के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। साहा भी 24 जुलाई तक आइसोलेशन में हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग सहायक दयानंद गरानी के संपर्क में थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीसीसीआई ने मंगलवार को कहा राहुल 20 से 22 जुलाई तक होने वाले अभ्यास मैच के दौरान विकेट कीपिंग करेंगे। पंत का नतीजा निगेटिव आने पर और बीसीसीआई की मेडिकल टीम से मंजूरी मिलने पर वो बायो बबल में प्रवेश करेंगे। भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय है क्योंकि टीम के नियमित विकेटकीपर इंग्लैंड दौरे पर टीम के साथ मौजूद नहीं रहेंगे। ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल पैर में चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। शुभमन गिल के बाहर होने से मयंक अग्रवाल या केएल राहुल को रोहित शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर मौका मिल सकता है, या फिर हो सकता है केएल राहुल मध्य क्रम में बल्लेबाजी करें और मयंक अग्रवाल रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग। क्रिकेट से जुड़ी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप NBC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन की घंटी आप तक सबसे पहले पहुंचे।